ले आए, ये क्या दिखा रहे हैं? तो वो बोलता है तू चुपचाप बैठ, लास्ट में एक सीन ऐसा भी आएगा पैसे वसूल हो जाएंगे। तो मैं भी आपसे वादा करता हूं, मैं भी आपको दो चार सीन ऐसे दिखाऊंगा आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। तो रेडी है? मैं अपनी बात शुरू करूं? मैं थोड़ा सा अपना परिचय दूं ताकि आप मेरी हर बात से अपने आप को रिलेट कर सकें। मेरा नाम दिनेश चौधरी है और मैं अभी MP रतलाम से आया हूं। करंट में उदयपुर से आया हूं। अभी मैं कुछ दिन से उदयपुर शिफ्ट हो गया हूं। रहने वाला मैं डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद UP का हूं। मुरादाबाद में मेरा जन्म हुआ, बहुत छोटे से गाँव में हुआ। उस समय मेरे फादर गांव के प्रधान हुआ करते थे, यू नो प्रधान, और वो भी यूपी का। यूपी का प्रधान मतलब अपने एरिया का मुख्यमंत्री, यानी वो आदेश करते थे, रिक्वेस्ट का कोई वहां काम नहीं था। तो मैं लगभग 7 साल का था, मेरे को वो स्कूल में भर्ती कराने ले गए। उस समय एडमिशन नहीं हुआ करते थे, बच्चे को भर्ती कराया जाता था। और 7 साल का मैं क्यों गया? उस समय बहुत छोटे बच्चे को स्कूल नहीं भेजा करते थे, बच्चे की पढ़ने लिखने की उम्र नहीं हुआ करती थी, खेलने की हुआ करती थी। आजकल तो फैशन आ गई है 3-3.5 साल। मेरा आज भी मानना है बहुत छोटे बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, उसकी शारीरिक ग्रोथ रुकती है, मानसिक भी रुकती है। अभी मैंने, मेरा पोता जब 5 साल का हो गया, मैंने उसका इस साल एडमिशन कराया है, तो उसके माता पिता मेरे से लड़ पड़े, बोले 5 साल में ये एडमिशन होगा, UKG नर्सरी पता नहीं कब ये पहुंचेगा, तुम्हारा जमाना अलग था, अभी पढ़ाई की जरूरत है। तो मैंने उनको एक ही लाइन बोली, बगैर पढ़ाई के काम चल रहा है कि नहीं? भी पढ़ ले, ये मेरी बराबर पैसा नहीं कमा सकता। कितना भी पढ़ ले, कितनी बड़ी डिग्रियां ले ले, कितनी बड़ी जॉब ले ले, ये मेरे पासन भी नहीं पहुंचेगा। क्यों? कामयाबी के लिए पढ़ाई नहीं चाहिए। इस सिस्टम में वो ताकत है जिसको बहुत लोग बड़ा लाइटली समझते हैं। मैं बताऊंगा ये शुरू में छोटी इनकम क्यों देता है। लोग इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, यार ये 500-700 महीने का कोई सिस्टम है, लगता है ऐसा। जब मेरे को भर्ती कराया गया 7 साल की उम्र में, तो उस समय प्रिंसिपल नहीं हुआ करते थे, स्कूल में हेडमास्टर होते थे। तो मेरे पिताजी ने एक ही बात कही, इसको पढ़ाओ, मैं प्रधान हूं इस गांव का, और अच्छे से पढ़ाना, आपका फोकस इस बच्चे पर होना चाहिए। अगर ये पढ़ने में ठीक है तो इसको हर साल क्लास बदलवा देना, पढ़ने में थोड़ा सा भी कमजोर लगे तो इसको एक आध साल उसी क्लास में रख के फिर चेंज कराना। तो उन हेडमास्टर साहब ने मेरे को 10वीं तक 18 साल पढ़ाया। अब जो भी उनको अच्छा लगा हो, फादर की बात अच्छी लगी, जो भी रहा हो, उसके बाद उन्होंने मेरे फादर को बुला के कहा, इसका पढ़ाई करियर कंप्लीट हो गया, इसको आप ले जाओ। मेरे फादर थोड़े गुस्से वाले थे, तो उन्होंने जाके घर मेरी माँ से कहा, इसके भाग्य में भी खेती लिखी है, ये भी खेती करेगा, और ये कह के वो चले गए। तो मेरी माँ ने मेरे से कहा, बेटा तू खेती कर पाएगा? क्योंकि खेती में मजबूत आदमी चाहिए। अभी तो थोड़ा मैं न्यूट्रिशन खा के अच्छा हो गया, पहले मैं बहुत कमजोर था, मतलब इतना कमजोर था जब तेज हवा आती थी तो मेरी माँ घर के बाहर निकल के देखती थी, बच्चा बाहर तो नहीं खेल रहा, और उसको लगता था जब मैं बाहर नहीं दिखता था तो उसको लगता था वो सेफ है, कहीं ना कहीं अंदर है। तो मेरी माँ ने कहा, बेटा तू खेती करके तो वैसे भी मर जाएगा, तो तू एक काम कर, कोई काम ढूंढ, ऐसा जॉब ढूंढ जिसमें मेहनत कम हो, पैसे कितने ही कमाए वो अच्छा है, मैं हूं, लेकिन मेहनत कम होनी चाहिए। तो मैं अपनी मार्कशीट लेके
यूपी गवर्नमेंट के पीछे 6 साल घूमा। लास्ट में एक बहुत अच्छे अधिकारी मेरे को मिले, उन्होंने एक ही बात कही, दिनेश इस मार्कशीट को तू ऐसी जगह रख जो आज के बाद तेरे को भी दिखाई ना दे, क्योंकि ये मार्कशीट किसी काम की नहीं है, इसमें सब्जेक्ट ढूंढना पड़ता है तेरा जिसमें अच्छे मार्क तेरे हैं, क्या करेगा इस मार्कशीट का, तू अपना टाइम खराब कर रहा है। तो मैंने मेरी माँ से कहा, माँ जॉब तो नहीं मिलेगा। बोले बेटा फिर क्या करोगे? ऐसा करो, तुम्हें यहाँ काम करने में शर्म आएगी तो तुम अपना शहर बदल लो। मैंने एक शहर बदला, दो बदले, फिर मैंने राज्य बदल लिया, मैं MP चला गया 1995 में। और मैं MP गवर्नमेंट को थैंक्स देता हूँ, वो 10वीं फेल वालों का ध्यान रखती है। उन्होंने मेरे को गवर्नमेंट जॉब दिया कृषि उपज मंडी, जहाँ गवर्नमेंट मेरे को 2075 रुपये दिया करती थी 2002। और अभी जैसे किसी ने बताया कि मैं जब अपनी जॉब के लिए गया तो किसी और को ही प्लान दिखाया जा रहा था मेरे दोस्त को। तो मैंने उनको पूछा ये क्या है, तो उसने कहा जी मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, बस ये पता है पेंट पीस ले लो तो 512 आते हैं। मैंने कहा ज़्यादा डिटेल चाहिए? तो बोले 26 जुलाई 2002 केयर ऑफ मैरिज हॉल लोकन टाकिज के सामने एक मीटिंग है, उसको सुनने आओ। मैंने पूछा आप आओगे? बोले हाँ मैं भी आऊँगा। मैं उस मीटिंग में पहुँचा, वहाँ 8 व्यक्ति पहले थे, 9वां मैं था, 10वां कोई आया नहीं। आश्चर्य की बात यह है कि जिसने बुलाया वो भी नहीं आया, और उससे बड़ा आश्चर्य इस बात का है वो आज तक नहीं आया। बहुत लोग इस सिस्टम में कंप्लेंट करते हैं, क्या मेरा अप्लाई मेरी मदद नहीं करता, मेरा अप्लाई मेरे को सपोर्ट नहीं करता, मेरा अप्लाई मेरे को मीटिंगें नहीं देता, तो मेरा तो गायब ही है। बिना अप्लाई के भी सफायर बना जा सकता है, सिस्टम है, आपको सिस्टम को पकड़ना है, आपको कोई मतलब नहीं। एम्प्लाइन अगर हेल्प करता है तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझो, नहीं करता तो अपने आप को खुश रखो, क्योंकि जो पौधा किसी वृक्ष के नीचे बड़ा होता है वो कभी बड़ा वृक्ष नहीं बनता। yes. क्योंकि ना तो उस पौधे को ये पता गर्मी क्या होती है, सर्दी क्या होती है, बरसात क्या होती है, क्योंकि उसके ऊपर बड़े वृक्ष ने उस सबको देखा है। लेकिन जो पौधा अकेला मैदान में खड़ा होता है वो हर गर्मी, हर बरसात, हर ठंड को सहन करता है, और उसके साथ जब वो बड़ा होता है तो उसको दुनिया का बड़े से बड़ा तूफान हिला नहीं सकता। मेरे को 20 साल इस कॉन्सेप्ट में कंप्लीट हो गए हैं, और 20 साल एक प्लेटफॉर्म पर काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ा लंबा अरसा होता है, और 20 साल किसी भी एक प्लेटफार्म पे काम एक ही कंडीशन में किया जा सकता है, जब वो प्लेटफार्म बहुत ताकतवर हो और बहुत स्ट्रांग हो। अब प्रश्न आता है ये क्या दे सकता है, तो इसके पहले 2075 रुपए मेरे को 30 दिन का सरकार देती थी। इस सिस्टम की बदौलत आज मैं उस सरकार को 1,00,000 रुपए महीने का इनकम टैक्स भरता हूं, 1 लाख पर मंथ। ये इस सिस्टम की ताकत है जिसकी आज हम बात करेंगे। तैयार हैं बातचीत करने के लिए? yes. जिसने भी बुलाया नाम बताया होगा, नहीं भी बताया होगा, कुछ भी कह के लाए होंगे, और आपने मेहनत भी की होगी, जब पता लगा होगा मीटिंग फाइनल है। स्पेशल इसलिए ज्यादा की होगी, दिनेश चौधरी आ रहा है, थोड़ा अच्छा समझाता है यार, ले चलो। लेकिन फिर भी मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, अगर आपने 10 लोगों को बुलाया होगा, गारंटी से 6 गायब हैं। ये गायब है, 4 आए हैं। आपको बुरा भी लगा होगा ये नहीं आए, क्यों नहीं आए, इनके पास बहाने हैं, और ये बहाने इनके नहीं है, बहाने वो देता है। वो क्यों देता है? कई बार बहुत लोग कहते हैं सर इतना अच्छा सिस्टम है फिर हर व्यक्ति इसको क्यों नहीं समझता? इसको हर व्यक्ति नहीं समझेगा, इसको वही व्यक्ति समझेगा जिसने पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए। मैं हमेशा बोलता हूं इस दुनिया में बहुत सारे नेटवर्क हैं, बहुत सारी कंपनियां इंडिया में काम करती हैं,
आरसीएम मिलना ये सौभाग्य की बात है, आरसीएम मिलना ये सौभाग्य की बात है, और रामकिशन जी जैसी अप्लाई मिलना ये परम सौभाग्य की बात है। क्योंकि जिस परिवार को अच्छा पिता गाइड करने वाला हो वो परिवार आगे बढ़ता है। और मेरे को इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है, एजुकेशन का ये सिस्टम है, और आज मैं कह सकता हूं कि रामकिशन जी की टीम एजुकेशन में अभी इंडिया में नंबर वन है। ये एजुकेशन का काम करती है, और ये डायरेक्ट सेलिंग मेथड एजुकेशन का ही है, ये आपको कुछ समय बाद वैसे भी समझ में आएगा। तो जो नहीं आए, आपको अच्छा नहीं लगा लेकिन आप खुश रहना, आ भी जाते बैठाते कहां बैठा, ये गॉड का प्लानिंग है, जो वो करता है अच्छे के लिए करता है। पर ये आपको प्रेजेंट में बुरा लगता है लेकिन उसका भविष्य अच्छा है, थोड़ा समझे। एक बार तो दोस्त जा रहे थे, एक ने दूसरे को कहा यार भगवान को ज्यादा अकल नहीं है। पहले ने कहा नहीं कैसी बात करता है, जिसने दुनिया बनाई इसको अकल, बोले अकल है लेकिन उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। पहले ने पूछा ऐसा तू क्यों बोलता है, बोले देख उसने बहुत सारी चीजें बनाई लेकिन जिसको जैसा बनाना था वैसा नहीं बनाया। उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, वो दुनिया का मालिक है उसकी कुछ प्लानिंग होगी। उसने कहा नहीं कुछ भी कह लेकिन गड़बड़ तो है। उसने पूछा कैसे, उसने कहा देख उसने एक बेर बनाया, बेर यू नो बेर, इतना बड़ा फल है, इतने बड़े मजबूत पेड़ पे लगाया। एक तरबूज बनाया, इतना बड़ा फल है, कमजोर पेड़ पे लगाया। अरे मजबूत चीज को वहां लगाना था, वो मजबूत पेड़ है इसका वजन संभाल सकता था, बेर को उधर लगाना था वो कमजोर पेड़ है इसका संभाल सकता था। तो गलती तो हुई है, तू मान या मत मान। तो दूसरे ने कहा नहीं नहीं उसका प्लानिंग अलग है, हम नहीं जानते, वो मालिक है। नहीं नहीं बोले तू कुछ भी कहे गड़बड़ तो है। अब इतनी बात करते करते वो एक बाग बगीचे में से जा रहे थे, अचानक ऊपर से एक बेर गिरा, पहले वाले के सर पे लगा। दूसरे वाले ने कहा तू अब सोच, वो गिर जा, अगर आज इसकी जगह तरबूज होता तेरा क्या होता। तो वो जो करता है अच्छे के लिए करता है, इनको नहीं बुलाया ये वो जानता है, नहीं बुलाया तो भी अच्छा है, इनको बुलाया है वो जानता है। और जो यहां आए हैं वो एक चीज समझ लेना, ऊपर वाला, बहुत लोग अपनी लाइफ में एक बात बोलते हैं, कभी आपने सुना होगा मैं भी कुछ कर सकता था उसने चांस नहीं दिया। क्या लगता है वो इतने ही चांस देता है आपको, यहां बुलाया ये चांस ही है। सेकंड आज कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये सेकंड चांस है, इसके अलावा वो चांस नहीं देता। आप सोचो वो पृथ्वी पे आए और आपको घर से पकड़े, आरसीएम की शॉप पे ले जाए, प्रोडक्ट दिलाए और उस प्रोडक्ट के पैसे भी वो ही दे, तब मैं आरसीएम करूं, तो ऐसा कभी जिंदगी में होगा नहीं। इतना ही यही चांस है बस उसका, और इसको जो समझ गया वो आगे बढ़ता है। फिर वो कह देता है बेटा चांस तो दिया था, अब तुमने चांस को मिस किया, ये तुम्हारी गलती है। इतना ही हम सबको मिला है, इससे ज्यादा और हमें कुछ नहीं मिला। हमारे टाइम पे अभी रामकिशन जी ने कहा पेंट पीस आता था केवल, ओनली पेंट पीस। तो लोग हमसे पूछते थे सर शर्ट, मैंने कहा अभी पेंट पहनो, शर्ट बनाती नहीं कंपनी। बोले सर शर्ट चाहिए, मैं क्या पैंट का सिला लो, पर अभी है पैंट ही। उस पैंट से 7वें महीने रॉयल्टी ली, 7 महीने। जैसा भी सुनील जी ने कहा ना, बस वो सुरक्षा, क्योंकि मेरे फादर को कैंसर हो गया था और मैं बहुत छोटा था जिस एज में वो हमें छोड़ गए, बस वो एक दर्द था क्योंकि मेरी माँ 1 साल कोमा में रही मेरे पिताजी के जाने के बाद, हम सारे बच्चे छोटे थे, बस वो एक दर्द था। जो मेरी माँ के साथ हुआ वो कभी मेरी पत्नी के साथ नहीं होना चाहिए, वो एक दर्द था। इसीलिए इसको मैंने बहुत स्पीड से किया, मैं 7वें महीने रॉयल्टी पहुंचा, 15वें महीने टेक्निकल पहुंचा,
पांचवें साल में स्टार रूबी पहुंचा, 2007 में मैं स्टार रूबी पहुंचा। 2007 का मेरा आरसीएम से चेक था टीडीएस काट के 7,80,000 एक महीने का, ये 2007 की बात है। मैंने डिसाइड किया था मैं इसको करूंगा, 5 साल ही करूंगा और भूत की तरह करूंगा। यू नो भूत अभी कहां दिखा फिर कहां दिखा। मैं एक एक दिन में 5-5 गांवों में मीटिंग करता था, वो गांव कौन सा था, कौन लोग बैठते थे, मेरी कोई जान पहचान नहीं। गया भाई एक काम की बात है सुनो, पसंद आए तो साथ करेंगे नहीं तो दूसरा गांव। डिसाइड किया था एमपी का पहला रॉयल्टी अचीवर बनूंगा, पहला बना। एमपी का पहला टेक्निकल अचीवर बनूंगा, पहला बना। एमपी का पहला स्टार रूबी बनूंगा, पहला बना। एमपी का पहला करोड़पति बनूंगा, पहला बना। एमपी का पहला सफायर बनूंगा, पहला ही बना। क्योंकि अप्लाई नहीं चाहिए, सिस्टम चाहिए। मेरे साथ सिस्टम था, कोठारी साहब मेरी अप्लाई नहीं है, मेरे को 3 साल बाद पता लगा, 3 साल बाद कि कोठारी साहब मेरी अप्लाई है। तो करना चाहिए, 5 साल का कॉन्सेप्ट है। और अभी किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी, इस सिस्टम को करने के लिए क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, ये बहुत जरूरी शब्द है। क्यों? एक है कैसे, एक है क्यों, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया इन 2 शब्दों पर ही टिकी हुई है। काम कैसे करना चाहिए, काम क्यों करना चाहिए, पढ़ाई कैसे करनी है, पढ़ाई क्यों करनी है, जॉब कैसे करना है, जॉब क्यों करना है, खेती कैसे करनी है, खेती क्यों करनी है। अमीर वो बनते हैं जिनका क्यों क्लियर है, और ये बहुत कम लोगों का होता है। आपने एक रेशो सुना है भारत में 80 और 20, सुना है? क्या है ये 80-20? 20% अमीर, 80% गरीब। यही सुना है? 10 साल पहले क्या सुना था? यही 20 साल पहले? यही 30 साल पहले? यही। इसमें एक भी परसेंट का अंतर नहीं आया, जबकि 10 साल पहले पेट्रोल अलग रेट था, दूध अलग रेट था, सब्जी अलग रेट थी, कपड़े अलग रेट थे। हर आंकड़ा बदला है, ये नहीं बदला। आपने कभी सोचा ये क्यों नहीं बदला? ये बदलना ही नहीं चाहते, ये बदलना ही नहीं चाहते, ये अपनी आदत से मजबूर नहीं, ये मजबूत हैं। मजबूर नहीं है ये लोग, ये मजबूत हो गए। और मैं हमेशा कहता हूं, आप जिंदगी के जिस भी चौराहे पर आज खड़े हो, उसका कारण आप स्वयं हो। लेकिन भारत का व्यक्ति अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता। अभी आप बाहर जाके एक रिक्शा वाले से पूछना, गरीब हो? हाँ। क्यों? हाँ। तो उसने खरीद के दिया इसको रिक्शा? वो आया रिक्शा खरीदवाने इसको। जहां आप हो, आपके पास साइकिल है कारण आप हो, बाइक है कारण आप हो, कार में है कारण आप हो, बसों में धक्के खाते हो कारण आप हो, फ्लाइट में घूमते हो कारण आप हो, बैंक में बैलेंस नहीं है कारण आप हो, बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है कारण आप हो, पत्नी के पास गहने नहीं है कारण नहीं, उसका तो मैं नहीं हूं। आपकी पत्नी के पास गहने नहीं है कारण मैं क्यों? आप। मेरे को आज भी याद है 2007 में मेरा छत्तीसगढ़ रायपुर में एक मीटिंग था, वो मीटिंग 3 दिन चला रामकिशन जी लगातार। बारिश बहुत हो गई, अगले दिन रुकी हुई थी, रोड पे बहुत पानी था, तो मेरे साथ एक टेक्निकल अचीवर थे, वो गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे, तो मैंने उनको कहा गाड़ी धीरे चलाना, किसी के ऊपर पानी नहीं जाना चाहिए। वो गाड़ी बहुत धीरे चला रहे, लेकिन बीच में कोई नाली क्रॉस होगी छोटी सी, तो जैसी वो कार उस नाली में गिरी, वो पानी उछला, पानी उछला तो पास में से भाई साहब साइकिल पे सफ़ेद कपड़ों में निकल रहे थे, उनके ऊपर पानी चला गया, तो उन्हें गुस्सा आया, उन्होंने कार पे हाथ मारा, ऐसा किया, तो मेरी तरफ ही, मैंने गिलास नीचे किया, मैंने कहा क्या हुआ, क्या हुआ, कपड़े खराब कर दिए? मैंने कहा हमने नहीं किए, आपकी कार ने की है? हमारी कार ने भी नहीं की, आपकी वजह से हुए?
हमारी वजह से नहीं हुए, फिर बनके आपकी वजह से हुए। बोले क्यों?